Hello everyone, day 10 of my challenge. Welcome to my channel funzilla.com and I am Deepika, your host, Deepika Anand. And we are making Disney princesses, or you can say characters, and we are in the 10th day. We are in the 10th day of our challenge, my challenge, 100 days challenge of making Disney characters. ओके, तो स्टार्टिंग में तो अभी क्या चल रही है, प्रिंसेस चल रही है. सो आज की प्रिंसेस है आज की प्रिंसेस क्या है, मैंने काफ़ी सारी प्रिंसेस बना दी हुई हैं, आज 10th प्रिंसेस बना रही हूँ मैं. तो 10th प्रिंसेस का नाम है, अच्छा ये ना एक ट्राइब से, मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ, ये एक ट्राइब से बिलोंग करती है, एक ट्राइब है, आई थिंक कोई एशियन ट्राइब ले लो, या मेरे को भूल गई हुई है, मैं जब मूवी देखी थी ना, मैंने सच्ची बहुत टाइम हो गया मेरे को देखे हुए, बट हाँ ये कोई ट्राइब से है, और एक मतलब मुखिया की बेटी ही होती है उस तरह से. जैसे कल की मैंने मरेडा बनाई थी, MERILDA, पता नहीं यार उसको ना प्रोनाउंस करने में गलती हो जाती है, मैं कल भी प्रोनाउंस शायद गलत कर रही थी. तो ये भी एक ट्राइब की है और ये अपने ट्राइब को बचाने के लिए लड़ती है अगेन. और इसमें एक शहर का लड़का आता है, मतलब शहर का एक लड़का, प्रिंस टाइप का लड़का इसकी लाइफ में आता है. तो थोड़ा ट्राइब क्या है, इसका नाम थोड़ा सा टफ है. अगर आपने पिक्चर देखी है तो आपको नाम इसका पता होगा, नहीं देखी है तो फिर चलो मैं ही बता देती हूँ. तो इस आज की डिज्नी करेक्टर प्रिंसेस जो भी है, जो भी आपको जानना है, जो भी आपको मानना है, उसका नाम है पोकाहॉन्टिस. क्या नाम है इसका? पोकाहॉन्टिस. शी इज़ पोकाहॉन्टिस फ्रॉम पोकाहॉन्टिस मूवी. और कल जो मैंने डिज्नी प्रिंसेस का बोला था ना, जो है रिपुंजल की मूवी का नाम टैंगल था यार, टेंगल मूवी का नाम था, टेंगल्ड है ना. कल नहीं, परसों की बात है वो, आई थिंक डे 8 की बात है. कल तो मैंने मरेडा मैंने यही बनाई थी. तो आज मैं बना रही हूँ पोकाहॉन्टिस, क्योंकि ये डस्की कलर की है, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या, क्योंकि अफ्रीका, मतलब मुझे नहीं पता यार कौन सी अफ्रीका की है या एशिया की है, की ट्राइब की है पोकाहॉन्टिस. तो हमारी ये थोड़ी डस्की कलर की है, तो इसलिए हम लोग इसको गोरा तो बनाएंगे नहीं, जो कलर है वही दूंगी. तो मैंने इसमें ब्राउन और नहीं ये वाटर कलर ही है, वाटर कलर, पेंसिल वाटर कलर है ना वो, उसको मैंने शॉर्प किया था ना मैं बड़ी कंजूस हूँ, तो उसमें जो निकलता है ना पेंसिल को शॉर्प करने के बाद जो छोटे छोटे पीसेस पार्टिकल रह जाते हैं, तो उसको मैं पता क्या करती हूँ, मैं अपनी उसमें कलर पैलेट होता है ना, उसमें कलेक्ट करके मैंने उसमें पानी डाल के उसको वाटर कलर बना दिया. तो ये वही है, ये मैं वाटर कलर से नहीं बनाया, ये डायरेक्टली वैसा ही कलर है जैसा है. तो इसको मैंने नोज़ की शेप दे दी है, इसको मैंने डबल लेयर दे के ब्राउन कलर की फेस की शेप दे रही हूँ मैं. तो नोज़ को मैंने पेंसिल से थोड़ा सा मार्क किया था, और बाकी आपको मैंने कल भी बताया था कि नोज़ की शेप किस तरह से देनी है कलर के साथ, वाटर कलर के साथ. तो आप देख रहे हो अब ये सूख गया है, तो उसकी स्किन इस तरह से, उसने टॉपलेस पहना हुआ है, उसने वन स्टेप वाली ड्रेस पहनी है. इसका भी रिजल्ट बहुत प्यारा आया हुआ है, फाइनल इसका रिजल्ट बहुत सुंदर आया हुआ है. तो इसकी बालों का कलर क्योंकि ब्लैक ही है तो थोड़ी शेडिंग देनी है, तो पहले मैं आपको पता है ब्राउन कलर की कोटिंग कर रही हूँ, तो मैंने पेंसिल वाटर कलर ही यूज़ किए हैं, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैं. इस पर स्केच तो आपने देख ही लिया, अगर आप लोग मुझे स्केचिंग के लिए बोलोगे तो मैं स्केचिंग लाऊंगी, नहीं तो अभी तो मैं फिलहाल डिज्नी प्रिंसेस करेक्टर बना रही हूँ, तो इतना टाइम होता नहीं है कि मैं स्केचिंग को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मुझे वीडियो छोटी से छोटी रखनी होती है. तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे कलर कर रही हूँ, वाटर कलर्स, ब्राउन कलर की फर्स्ट लेयर है ये हेयर्स के ऊपर. तो एयरिंग्स जो हैं उसके वो है फैदर वाले एयरिंग्स पहने हुए हैं इसने, फैदर वाले एयरिंग्स पहन के इसके बीड्स के लंबे लंबे लटकन जो हैं वो साइड पर जा रहे हैं, तो फाइनल में आपको पता चल जाएगा इसकी फ़ोटो. यार फोटो लगाने में मुझे टाइम लगता है, जो मैं जिस फोटो से मैं ये कॉपी कर रही हूँ ना, वो फ़ोटो लगाने में अभी मुझे उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो अभी लैपटॉप पे पड़ी हुई है, तो उसको मुझे इतना वो नहीं है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास. यू कैन सर्च फॉर पोकाहॉन्टिस, आप देख सकते हो नेट पे कि कहाँ पे है इसकी पिक्चर. गड़गड़ गड़गड़ हमारी गली के आसपास का शोर, ये थोड़ा सा क्रीमिश कलर है, वाइट और थोड़ा सा ब्राउन मिक्स किया है, तो ये मैंने क्रीमिश कलर उसकी ड्रेस पे कर दिया, क्योंकि उसने लाइट कलर की ड्रेस पहनी है, और उसकी नेकलेस पे भी वही कलर है, क्योंकि उन्होंने गोल्ड सिल्वर थोड़ी ना पहना, उन्होंने ईयर्स पे फैदर पहना, फैदर पहना. सो उसके कानों में भी थोड़ा सा कलर हो गया, और उसकी फेस पे थोड़ी शेप दे दो,
इसको स्क्वायर कट, ऊपर से लंबा और नीचे से स्क्वायर कट फेस है इसका। शी इज ब्लैक बट शी इज ब्यूटिफुल। और नोज की शेप और दे दो, थोड़ी सी शेपिंग दे दो। कलर को थोपा मत किया करो, कलर को डल्यूट करके लेयरिंग्स कर दिया करो, ठीक है ना, उससे आपके वाटर कलर की फेस की शेप आ जाती है। तो आईज पे थोड़ा सा पिंकिश कलर दे रही हूँ, थोड़ा सा लाइट सा, ज़्यादा नहीं। और वही पिंक कलर में उठा के उसके लिप्स पे भी कर दिया। ब्राउन कलर की आईज, एक्चुअली इसकी कलर में दो शेड्स दिख रही थी मेरे को, ब्राउन येलो ब्लू थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी, तो मैं ये लास्ट में करूँगी अभी फिलहाल, ये स्टार्टिंग में ब्राउन एक कोट दे दिए। और आईब्रोज आ गई इसकी, आईब्रोज कौनों सी दिशा में लिख चला रे बैठू ही कौनों दिशा। इसकी ड्रेस में मैंने पेंसिल से आपके सामने नहीं ड्रॉ किया था ना, जो स्टोन बनाए थे ये मैंने ड्रॉ किए थे, अभी इसको कलर कर रही हूँ। एक्चुअली इसकी ड्रेस पे स्टोन्स लगे हुए हैं अलग अलग कलर के, तो अभी इसकी क्या बोलते हैं इसको, आप आपके ज्वेलरी को कलर करेंगे। इसमें भी थोड़ा क्रीम कलर कर दिया है मैंने, है ना, अलग अलग कलर के स्टोन्स, ब्लू ब्राउन थोड़ा सा येलोइश, अलग अलग कलर के ब्लू। मैं सेम टू सेम रियलिस्टिक बनाने की कोशिश नहीं करती, सच्ची बोलूँ मैं ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, और मैं अपनी तरफ से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करती हूँ। बट मतलब वो बोलो कि बिल्कुल ही मैच कर रही है, तो वैसा बिल्कुल वाला कोई सिस्टम नहीं है। मैं कोई फाइन आर्ट्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जैसे ड्रॉ करना, जैसा मुझे पसंद है ना, मुझे वैसा ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दी है, पोर्ट्रेट ऐसे खिल के आता है, तो ये पेन से ही मैं इसकी आईज ड्रॉ कर रही हूँ। आईज को मतलब शेडिंग दे, आईज को आउटलाइनिंग दे रही हूँ, नॉट शेडिंग, आउटलाइनिंग दे रही हूँ। इसकी आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हैं, थोड़ी ऊपर की तरफ है, टर्नड है, और क्या है, पलके थोड़ी सी नीचे से लाइट और ऊपर से पलके थोड़ी सी मोटी हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा मोटी नहीं है, मतलब थोड़े सा है। अब मेकअप के गुण तो मैं सिखाऊंगी नहीं, अभी मैं मेकअप तो नहीं कर रही हूँ। तो आईज इसकी, शी इज प्रिटी, इज सो प्रिटी। मेरी सारी प्रिंसेसेस बहुत बहुत सुंदर हैं, जो मैंने पोर्ट्रेट बनाए थे ना, जिन प्रिंसेसेस के मैंने पोर्ट्रेट बनाए थे, किसके बनाए थे, मैंने एक स्नो वाइट का बनाया था, हमारी क्या नाम है इसका, सिंड्रेला का बनाया था, एल्सा का बनाया था, और हमारी बेला का बनाया था। इनके भी फेसेस बनाऊंगी मैं, क्योंकि जो फेसेस वाली डिज्नी प्रिंसेसेस बनाई है ना मैंने, वो बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं। तो मैं ना उनकी भी, पोकाहोंटास के बाद अभी बची हैं मेरी दो फेरीज और बची, वो दो प्रिंसेसेस और बची हुई हैं, एक नाम नहीं लूँगी, लूँ एक तानिया बची है, एक तानिया है, फिर उसके बाद हमारी एल्सा की बहन एना भी है, और उसके बाद एक और डिज्नी देखी थी मैंने, उसमें एक ना बड़ा सा वो है, उसका फ्रेंड होता है उसका, बड़ा सा भयंकर, बड़ा साइज़ में बड़ा लेकिन दिल का वो है, वैसा वाला दिल का वो है, नहीं मतलब सॉफ्ट वाला, उसका नाम मुझे भूल गया, सच्ची में उसका नाम मैं भूल गया है। एक तानिया आई थिंक फ्रॉग, जिसमें वो फ्रॉग प्रिंस नहीं बन जाता, वो तानिया उस पर वो वाला डिज्नी प्रिंसेस है। तानिया भी कार्टून है, वो नया कार्टून नहीं आया हुआ उसका, लेकिन वो तानिया बनाऊंगी मैं इसके बाद, वो इजी है थोड़ी, कार्टूनिश है। एंड पोकाहोंटास तानिया के बाद और कौन बची है, बची है क्या और कोई है, दो प्रिंसेसेस के बाद अभी बची हैं, तो उनकी ये एल्सा का भी फेस बनाना है मुझे, बेला एल्सा और सिंड्रेला, क्या नाम है, सिंड्रेला, हाँ बेला एल्सा और सिंड्रेला एंड स्नो वाइट, ये चार के फेसेस बनाने हैं, है ना, बाकियों के फेसेस ही बनाए थे और फेसेस बहुत सुंदर बने थे, तो इनको कैसे छोड़ दें। और सच्ची बोलूँ मुझे फेसेस जो हाफ बॉडी बनाई है ना यार, वो बहुत बहुत सुंदर लग रही है मुझे, इतनी सुंदर लग रही है, आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी होंगी, तो इतनी प्यारी लग रही है। अच्छा, इसके बाजू पे टैटू है रेड कलर का, टैटू बनाया है या पता नहीं क्या बनाया हुआ था, तो वो भी बनाना है ना, ये ट्राइब से बिलोंग करती है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, थोड़ा अटपटा सा है ना, रेड कलर का थोड़ा सा टैटू देखा था मैंने पिक्चर में। और उसके बालों को शेडिंग देने के लिए मैं रेड कलर ले रही हूँ, रेड कलर के बाद फिर अलग अलग शेडिंग देनी है मैंने बालों की, वो ब्लैक शेडिंग भी दे दी थी एक, ताकि उसके बालों में लेयर्स दिखे, है ना, स्ट्रोक्स, हेयर स्ट्रोक्स, शी इज लुकिंग सो प्राउड, ये प्राउड प्रिंसेस है हमारी पोकाहोंटास, चुलबुली नहीं है ये, प्राउडी मतलब अच्छी वाली होती है ना, कॉन्फिडेंट टाइप की लड़की, ये वैसी है, कॉन्फिडेंट, नॉट प्राउडी, कॉन्फिडेंट गर्ल शी इज।
एंड सच्ची बोलूँ मैं दिन बाय दिन जो भी मैं प्रिंसेस बना रही हूँ ना, सीरियसली यार मुझे अगले दिन वाली बहुत 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 सुंदर लगना शुरू हो जाती है। इसकी ड्रेस के ऊपर ना कुछ फैदर वो है, डिज़ाइन है, तो वही मैंने फैदर डिज़ाइन बनाया उसको, दो तीन बारी कलर करके अलग अलग शेड का फैदर की लुक दी, और उसके बाद पेंसिल 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 से वाइट पेन से मैंने उसको शेडिंग दी है ताकि वो और थोड़ी शाइन करे, रियलिस्टिक लगे। और अभी पेंसिल मेरी क्या बोलते हैं उसको, फेवर कैसल की कलर पेंसिल्स की बारी। अब लास्ट में जो ग्रेस देती है वो पेंसिल कलर ही देता है ना, है ना। और इसके जो एयरिंग्स पे लटकन जो बनाई है कितनी प्यारी लग रही है, जहाँ जहाँ शेडिंग है वहाँ वहाँ पे ब्राउन कलर कर दो, जहाँ जहाँ स्किन के ऊपर जहाँ पे शेडिंग देनी है वहाँ पे ब्राउन 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 कलर कर दीजिए, क्योंकि इसकी स्किन का कलर ब्राउन है तो ब्राउन पेंसिल। एंड जहाँ जहाँ जो जो मोती जिस कलर का है उस कलर कलर को थोड़ा डार्क करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल कर लीजिए। आइस के ऊपर थोड़ा सी शेडिंग देनी है तो दे दो, लिप्स पे थोड़ा सा रेड कलर कर दो या पिंक कलर कर दो, हमारी पोकाहोंटस। तो आ गई अब बारी आपके लिप्स की, लिप्स 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 शेडिंग देने के लिए ना ऊपर के लिप्स जो है ना, जैसे ऊपर की तरफ उसको थोड़ा सा कम कम कलर देना, नीचे के लिप्स को लाइन जहाँ पे आप आउटलाइनिंग करते हो वहाँ पे थोड़ा डार्क देना, तो फिर उसमें ना कम से कम आपको 3D शेप मिलेगी आपको। तो मैं बालों को थोड़ा सा ब्लू कलर कर रही हूँ क्योंकि लाइट से थोड़े से शाइन कर रहे हैं बाल, तो उसको शाइन करने के लिए थोड़ा मैंने ब्लू कलर का इस्तेमाल कर लिया। और ये देखो मैंने बोला था ना इसमें थोड़ी सी येलो लेयरिंग करूँगी आइस पे, आइस के ऊपर थोड़ा सा येलो लेयर कर दिया पेंसिल से ही, सिल्वर कलर कर रही हूँ थोड़ा बालों को शाइन मिले, आउटलाइनिंग अच्छी हो फेस की। और ये है डे 8 ओए 10 सॉरी 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 8 डे 10 जेलपन का यूज़, जेल डार्क लगता है ना इसलिए यार, जेल थोड़ा ज़्यादा डार्कर लगता है इसलिए, इसके लिए ये आपकी हेयर्स के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए, या कि आपकी ड्रेस पेंसिल स्टोन्स के ऊपर पेंसिल कलर ले लो ताकि आपके स्टोन्स डार्क हो जाएं, डार्क 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 स्टोन्स। इसकी ड्रेस के ऊपर थोड़ा सा मैं लाइट ब्राउन कलर कर रही हूँ, गोल्डन गोल्डन टाइप का येलोइश, इसकी ड्रेस थोड़ी सी उभर के आ जाए हमारी ड्रेस। एंड इसके जो लटकन है इसको भी थोड़ा सा और दो तीन शेड्स दे दो ताकि ये और सुंदर लग सके। आईज़ के ऊपर मैं थोड़ा येलो कलर दे रही हूँ ताकि ये आईज़ इसकी शाइन करे, थोड़ी रियलिस्टिक 3D लगना शुरू हो जाए। वाओ इसकी आईज़ कितनी सुंदर लगने लगी हैं अभी, ओह माय गॉड। अब मैं गोल्डन कलर दे रही हूँ शाइन के लिए, है ना, ये मेरा फेवरेट काम है लास्ट में शाइन देना। तो मेरी पोकाहोंटस रेडी है फाइनली, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मीट यू टुमारो।